नमस्कार, आप देख रहे सनी क्रिएटर। मैं हूं सनी। मैं अभी जनपद जौनपुर में हूं, मंगेश यादव के घर पर। मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ है, आज 6 दिन हो चुके हैं। इनके घर पे जो लोग आ रहे हैं शोक संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए। अभी मेरे साथ फ्रेम एक दादाजी है, गांव के हैं। मंगेश के ऊपर जिस प्रकार से प्रशासन आरोप लगा रही है, मंगेश एक बड़ा अपराधी था। और जिस प्रकार से घर वाले ये कह रहे हैं कि मंगेश मेरा निर्दोष है, और उसे रात्रि को 2 बजे पुलिस वाले लेके गए थे। अब दादा से सारी घटनाओं की चर्चाएं करेंगे। दादा जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? रामनाथ यादव। खड़ी हिंदी समझ जाते हैं? जी जी, समझ जाते हैं। गांव के हैं आप? हम गांव के। सबसे पहले ये एक चीज़ बताइए, मंगेश का व्यवहार कैसा था गांव में, जिस प्रकार से पुलिस वाले कह रहे हैं कि मंगेश बड़ा अपराधी है? मंगेश का व्यवहार बहुत अच्छा था, हम लोगों से मिलता था, जो लगते थे वो वही कह के पुकारता था। दादा, चाचा, बाबा, जो कुछ भी लगते थे उसी से पुकारता था। हमेशा सर नीचे किए रहता था हम लोगों के सामने। अच्छा। कभी चोरी ऐसी कोई वारदात यहाँ गांव में सुनाई नहीं दिया। आप क्या कह के बुलाते थे? हम आप वो हमारा नाती लगता था। नाती, नाना कह के बुलाते? हाँ। अच्छा। जैसे हमारा नात वो लगता था। तो क्या कहते, दादा का नाम? हाँ, दादा का था। हाँ। अच्छा, यानी पोता लगता? हाँ, पोता लगता था। हाँ। लेकिन दादा, पुलिस प्रशासन कह रही है कि मंगेश अपराधी है, मंगेश डिकैट है, तो आप क्या सोचते हैं? पुलिस कहने से कुछ नहीं होगा। क्यों, पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं? पुलिस के ऊपर तो एक तिल भर भरोसा नहीं है। पुलिस ही तो नहीं हम लोगों को, पुलिस तो जो है कि अनायास किसी को फंसाती है। नहीं, ऐसी पुलिस नहीं है। हाँ, पुलिस तो ऐसी है, इस राज में पुलिस ऐसी मनमानी कर रही है। हाँ, वो जब जिस दिन उसको उठाया है, सोमवार को रात को 2 बजे उठाए थे, जिस दिन डकैती सुल्तानपुर में पड़ी 28 अगस्त को, उसने अपनी बहन को नौपरवा चुरावनपुर स्कूल कॉलेज में ले गया था फीस जमा करने के लिए। फीस जमा? हाँ। अब फीस जमा नहीं हो पाई तो अपनी बहन को बोला कि तुम पढ़ो, हम घर चले जा रहे हैं। अच्छा। वो आया घर, अपना यहाँ जो काम था, कोर्स हो रन बन सब कुछ बाला बोला खिलाया। इसके बाद जब 2 बजे रात की जब पुलिस आई थी, वो खाना खा के सो रहा था, और मोबाइल चार्ज में लगाया था। अब पुलिस आई, इसको उठा लिया सोते समय, तो उसके बहन और माता जो है थोड़ा मोटे दिमाग का है, तो वो कहें कि मेरे भैया कहाँ ले जाता है। अच्छा, माता जी के? हाँ। तो कहें कि हम जौन है कि ले जाता है, पूछताछ के 2 दिन में फिर पहुँचाए देवी ही घरे। लेकिन दादा, तो जब लेके जाए ले आगे ना, तो अब भाई, अब महताई के सामने से बिठवा जात हुए, अब बहन भाई जात हुए, तो उनका सब तकलीफ है। सुबह इधर उधर बोले ले आगे, तब तक घूम कहते हैं, अगर बोला जाए तो तुरंत सबके मार देव जान से। अब वो उन्होंने पूरा डराई गए, कहा हम 2 दिन में पहुँचाए दी भाई, फिर पूछताछ तुरंत पहुँचा दे, कुछ करब उरब ना। तो सब डर के मारी आरी बगल गाँव में केहू से बताए ना है, डरवा दिए मारे। हाँ, डरवा दिए तो मतबन के हैं कुछ लेके गए अपन भैया का के हैं मार न्याय। जब मार के इनकाउंटर करके निपट गए हैं, तब यहाँ संदेश देते हैं कि मंगेश का जो है कि इनकाउंटर हो गया, उसको जाओ ले आओ सुल्तानपुर। इसी पे एक सवाल बनता है कि मंगेश को बिना अपराधी समझे कैसे उठा ले जाएगी, मंगेश का कैसे घर पता करेगी? मंगेश कुछ तो केस में मतलब उसमें सम्मिलित होगा। ऐसे था, अभी लौंडा था, अभी 18-19 साल की उम्र है। जी जी। तो अब जैसे 2-4 लड़के इधर उधर साथ अपना साथी बना लेते हैं, तो एक बार कहीं मोटरसाइकिल की छीनी थी, इसका भी नाम आ गया था, वो जेल गया था। अच्छा, जेल गए? हाँ, जेल गया था। और जेल से वो फिर 6 महीने में वो घर आ गया। तब से तो कोई केस उसके ऊपर नहीं थे, फिर से जेल भी नहीं गया है वो, एक ही बार जेल गया है। तब से इतना बड़ा नामी डकैत कैसे बन गया वो? तो पुलिस प्रशासन सुल्तानपुर जो चोरी हुई थी सोनारे वाली दुकानिया दुकान में, तो मंगेश का उसमें हाथ हो गया, उसके जो टीम थे जो चोरी किया उसमें, तो उनका कुछ दोस्ती यारी हो गया? भाई अब ये तो नहीं बता पाएंगे कि उसका नाम कैसे आया उसमें, लेकिन इतनी वारदात को अंजाम नहीं दे सकता है इतने नादान उम्र में,
इतने बड़े वारदात को अंजाम नहीं दे सकता है। घर द्वार नहीं होगा, नहीं था, इसलिए सोच रहा थोड़ा सा बड़ा हाथ मारूं। अभी तो लगभग 2 महीने उसका हुआ है, सूरत से आया, उसका पिता ले गया था, उसको ट्रक चलाता है उसका पिता, तो उसको सिखा रहा था ड्राइवरी, तो ड्राइविंग लगभग उसको काफ़ी सिखा दिया था, कहें कि हम लाइसेंस बनवा देंगे और तुम यही गाड़ी चलाओ, तो कहें कि एक बार चले जाओ, जब तक लाइसेंस ना बनवाएं चले जाओ घर, कम से कम घर की खेती देख लो, सीजन आ गई है, और इसके बाद हम लाइसेंस बन जाएगा तो फ़ोन करके हम बुलाएंगे। कहें ठीक बा, और वही आए अपन खेती बाड़ी यहाँ की है, सब कुछ की है, जोता बोआ, जो कुछ फसल बोना था वो बोया, वही काम किया। लेकिन उसमें उस जो आप 12 नाम भी बताए जा रहे हैं सुल्तानपुर में, उसमें मंगेश का भी नाम है। हाँ वही कह रहे हैं, अब कौन नाम बता दिया है इसका, अब यही तो नहीं पता है कि इसका नाम कैसे डाला गया उसमें। अच्छा बिपिन सिंह के बारे में क्या कहना है, जो बिपिन सिंह राय, बिपिन सिंह तो उधर ही के है भाई, वो तो डकैत का जो राय सिलेंडर कर दिया अपने आप। हाँ तो पुलिस प्रशासन ने उसको सिलेंडर कराया है, डर की वजह से किया होगा पुलिस प्रशासन। ना पुलिस प्रशासन से वो भाजपा से संबंधित है। कौन, बिपिन सिंह? बिपिन सिंह कैसे आपको पता? हाँ सब पता है, जब केस कोई बनती है तो उसमें हवाएं ऐसी उड़ती है कि सब सुन लेता है, कोई चीज़ छिपी नहीं रहती है। तो क्यों उसको जब पकड़ लिया वो सिलेंडर कर दिया तो उसको उस पर रिमांड पर लेकर के उसको काउंटर कर देता, और 2-3 जो पकड़े गए तो क्या उसको काउंटर करने का आदेश नहीं था, केवल पैर में गोली मारना था, तो पैर में गोली मंगेश को मार दिया होता, जब उसका नाम था उसमें तो उसका भी पैर में गोली मार देता, उसको भी छोड़ देता। इनके ऊपर 1 लाख का इनाम रखा, 1 लाख का पहले तो 1 पैसे की इनाम नहीं था, क्या पुलिस प्रशासन के हाथ में गया तो 1 लाख का इनाम ही हो गया, इसके पहले तो 1 पैसा की इनाम नहीं था उसके ऊपर। पुलिस गोली चलाई है यानी इनकाउंटर किया, बोली कि बहुत बड़ा अपराधी था इसलिए इसको मारा गया। हम ये कहते हैं कि जब पहले उसके ऊपर कोई इनाम नहीं घोषित था, और जिस दिन वो काउंटर किए हैं इसके पहले तक नहीं इनाम घोषित था, तो कैसे मान लिया जाए कि उस इतना बड़ा डकैत था उसके ऊपर 1 लाख का इनामी था। झूठे रखें क्या? झूठे न रखें और क्या, वो मारने के लिए सारी साजिश किए हैं, ऐसे बवाल किए हैं कि 1 लाख का इनामी है। क्या देख झूठे इनाम रख दिया, और क्या देख इनकाउंटर कर दिया उनका? यादव वर्ग था वो जो थे, बिपिन उपिन सिंह थी, वो ठाकुर थे, तो उसके पक्ष के थे, भाजपाई थे, बड़े बड़े नेताओं से उससे संबंधित था, इसलिए उसको साफ साफ बच्चा क्या मंगेश के ऊपर 18-19 साल के ऊपर उम्र में 1 लाख का इनामी घोषित हो गया, इतना बड़ा डकैत था। ठाकुर ब्राह्मण सब जात देख कर किया गया है, हाँ जात देख कर किया गया है ऐसा, और इसके भी पैर में गोली मार छोड़ देते, जब उसमें नाम था जैसे कुल के छोड़ दिए वैसे इसको भी छोड़ देते, इसको जान लेने की क्या सवाल थी। आपको ये कैसे पता कि ठाकुर और ब्राह्मण बीजेपी के ही हैं? ठाकुर ब्राह्मण बीजेपी के ही है, इसमें हमको नहीं, यादव भी तो उसमें है, यादव तो कहीं छिटपुट हैं, यादव से कोई मतलब नहीं होता है, ये तो अभी इलेक्शन हो जाए तो देखो तुरंत झंडा पताका लेके मार करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन यादव वर्ग अगर उन लोगों की ना ऐसे आ जाएगा जिस दिन सड़क पे, उस दिन प्रशासन हिल जाएगा। एक सवाल, जो इनकाउंटर हुआ है कैसा, मतलब एक बहुत गलत हुआ है, बहुत बड़ा अपराध हुआ है, किसी का घर उजड़ गया, किसी की औलाद खत्म हो गई, यहीं से शाखाएं खत्म हो जाएगी, तो इससे बड़ा गलत कौन चीज़ हो सकता है इस संसार में। आप क्या कहना चाहते हैं? अरे जाएं नहीं हम, अरे गांव के हैं, हो गया जो बतिया हो कहीं बतिया मऊ कहा वो जाने जो रोड पे चल गए बताओ थे का बताया। अच्छा बुरा जवान काम भबा अन्याय तो होई बा सही तो भना ने अन्याय तो होई बा, लेकिन शासन का तो न्याय भव, अरे शासन तो कहबे के न्याय भव, पुलिस वाले गोली मारता था हमने एक अपराधी को, बड़ा अपराधी को। हां तो बड़ा अपराधी तो बताई भी करी, बड़ा अपराधी लगे जावन करी जे बड़ा अपराधी आए, अपराधी अगर होता तो पुलिस उसके पास नहीं जाती, काहे बिल्कुल नहीं जाती, उतना डर जाती पुलिस। अरे पुलिस किसी से इतने बड़े अपराधी हैं, इतने बड़े डकैत हैं, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पुरती है उस मुलजिम को पकड़ लें।
पुलिस किसी से नहीं डरती। पुलिस क्यों नहीं डरती है, डकैतों से डरती है। डकैत देखो पुलिस से कभी मरती नहीं है, पुलिस डकैत जब मरते हैं तो खुद अपने गोली से मर जाते हैं। अतीक अहमद इतना बड़ा, अतीक अहमद इतना बड़ा था, उसको कैसे मारा गया? गोली से मारा गया, धोखे से मारा गया। पुलिस प्रशासन नहीं मिली, पुलिस दूसरे जैसे बदमाशों को बुला करके उससे मरवाया गया, पुलिस बचने के लिए दूसरे से करा दिया। तो पुलिस की इतनी कमीनापन आज तक मैंने देखा किसी सरकार में नहीं देखा, कैसी भी गलत सरकार आई होगी लेकिन ये इतने कमीनी सरकार आज तक आई नहीं बीजेपी को। हाँ का जो बतिया बतावत नहीं, वही बतावत नहीं, वही सुनत है, वही मऊ जानत है, अब का जान। गाँव में क्या? हाँ गाँव में है। नाम हो? राजपूत। राजपूत पूरा नाम बताओ। राजपूत। राजपूत हाँ। तो जो मंगेश मरा, मंगेश को मारा गया, इनकाउंटर किया गया सुल्तानपुर में, वो जो 28 अगस्त को लूट हुई थी जेवेलरी शॉप में, सोना चांदी जो चोरी। तो जो प्रशासन है यानी पुलिस जो है कह रही है कि बहुत बड़ा अपराधी था, डकैत था। पुलिस ने कहा तो बात है लेकिन हमारा सुमत भी जानता है, भाई गांव में रहत रहा, खेती बाड़ी करते रहे, हम लोग देख रहे घूमे टहल रहे, दुकान हमारे थोड़ा दुकान कौन है, हमारे घर यहाँ है नहीं, नहीं वही दुकान दूसरे के है। अच्छा। वहाँ सामान वामान भी लेते जाता रहा, कम से कम महीने डेढ़ महीने घर ही था वो। लेकिन भैया उसके बाद कब कैसे वहाँ चला गया, क्या किया न किया कैसे बताएं, मतलब धोखे से मारा गया जो? नहीं नहीं धोखे से मारा गया है, सही ढंग से ही मारा गया है। हाँ साथियों अभी मेरी मौजूदगी आपने देखा, ये मंगेश यादव के घर पे ही है और चाचा जी गांव के हैं, चाचा जी यादव बिरादरी से आते हैं और ये चाचा जी चौहान बिरादरी से आते हैं। गांव वालों का कहना है कि मंगेश एक बहुत सीधा साधा इंसान था और मंगेश अपनी दैनिक क्रियाओं में यानी जो खेती बाड़ी काम होता है वो करता था और उसके कुछ दिन कुछ महीनों बाद पहले ही अपने पिता के साथ गुजरात में ड्राइविंग लाइन यानी ड्राइविंग सीखने गया था। प्रशासन लेकिन कुछ उसे और बताती है, अपराधी बताती है, क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मैं आपका सनी जनपद जौनपुर से, धन्यवाद।